हेलो क्लास 8, इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में, उसमें भी स्पेशली जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है नॉन मेटल का, उसके बारे में। तो इसको पढ़ें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हेलो क्लास 8, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बताया, फिर मैंने डिफरेंस बताया था मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। और उसमें जो पहला जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं, एक्सेप्शन इसमें भी है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इनका होता है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल का, वो क्या है कि वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कैरेक्टर के, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं एक लाइन में कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मन में अब एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, तो इसका जवाब मैं आपको देता हूं। जितने भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो स्टार्टिंग में न्यूट्रल होते हैं। जब उस पर कुछ ना करा गया हो तो ऐसे ही छोड़ दिया गया हो खुला, है ना, स्टार्टिंग में वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल। अब बोलोगे सर ये न्यूट्रल क्या है, तो जितने भी न्यूट्रल होते हैं स्टार्टिंग में, दैट मीन्स होता क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। जिन भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इक्वल है तो उनको समझा जाता है कि वो कैसे हैं, तो न्यूट्रल हैं इलेक्ट्रिकली। लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका ज़्यादा हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो तब क्या कहा जाएगा उसको, तब कहा जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव की इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यही ध्यान देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऐसा। और जितने भी नॉन मेटल होते हैं, तो नॉन मेटल एक ले लीजिए, ठीक है, नॉन मेटल एक सपोज कर लीजिए, कोई भी एक नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन एक होता है। तो हाइड्रोजन एक अलग क्षेत्र में चला जाता है, उसके लिए एक अलग एग्जांपल नहीं है। हाइड्रोजन को ऐसा माना जाता है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, तो उसको अलग से हम चर्चा कर लेंगे। तत्काल मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाएगा। और एक और सिचुएशन होगा जब नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका ज़्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तब इसको क्या कहा जाएगा, तब इसको कहा जाएगा कि भाई ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है उसको प्लस डिनोट, दैट मीन्स द पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स माइनस, इलेक्ट्रिकली निगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होते हैं। इसीलिए जिसमें इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा मात्रा होगी वहाँ पर प्रभाव किसका ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का यानी माइनस का, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसमें पी का वैल्यू ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और जब ये दोनों बराबर होंगे तो उन दोनों को क्या कहा जाएगा, न्यूट्रल कहा जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इतना कॉन्सेप्ट। तो नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस वाले सिचुएशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कब कहा जाएगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि ज़्यादा कैसे हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सबका क्या होता है, इक्वल होता है ना। अभी तो बताया कि स्टार्टिंग में दोनों का इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो भी तत्व दिया हुआ रहेगा उसका इक्वल होगा। बाद में कन्वेक्शन करवाने से, है ना, आपस में रगड़ने से कैसे जो कंघी होता है वो कागज़ को अट्रैक्ट करने लगता है, वहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो वो सब का रीज़न जो है वो यही है कि वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव या निगेटिव हो जाते हैं इस रीज़न से। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। तो माने कहने का अर्थ क्या है कि इट हैज ए टेंडेंसी
टू ये क्या करते हैं, लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन को कि एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को? तो जवाब आपका आना चाहिए कि एक्सेप्ट करते हैं, है ना। इनका टेंडेंसी क्या है कि ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अब इसको थोड़ा समझिए, ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को माने क्या, देखिए समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एलिमेंट है जिसमें प्लस माइनस न्यूट्रल है तो सब समान होगा, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। अब हुआ क्या कि इसमें से इलेक्ट्रॉन मूव करा और इसमें ट्रांसफ़र हो गया, और इसमें भी प्लस और माइनस दोनों सेम है, मतलब ये दोनों न्यूट्रल है स्टार्टिंग में, और इसमें से जैसे ही माइनस इसमें गया तो क्या इसमें माइनस की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, जवाब दीजिए, और इसमें संख्या किसकी ज़्यादा हो जाएगी, प्लस। तो ये जो है वो इलेक्ट्रो क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि इसमें माइनस आया, इलेक्ट्रॉन आया, और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन गया उसमें। तो इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है वो इलेक्ट्रो निगेटिव हो जाता है, और जिससे जाता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा इट हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या, अभी बताया मैंने, इलेक्ट्रो निगेटिव और शो आउट कर देता है। तो इस ये जो है जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रो निगेटिव फिर कहे जाते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एबल होते हैं रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फॉर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो ये ध्यान देने की बात है कि कहीं ना कहीं से तो इनके पास इलेक्ट्रॉन आया होगा, नॉन मेटल में कहीं ना कहीं से तो इलेक्ट्रॉन आया होगा। तो नॉन मेटल का एक और काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा काम, नॉन मेटल क्या कर सकते हैं, तो ये एबल हैं, नॉन मेटल्स आर एबल, ये सक्षम हैं टू रिमूव, क्या करने में, रिमूव मतलब हटाने में, इलेक्ट्रॉन्स को, और अपने अंदर समाहित करने में, मतलब उनसे ले करके खीर छीन लेते हैं। तो नॉन मेटल्स आर एबल टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हाइड्रोजन एक प्रकार का क्या है, नॉन मेटल ही है, लेकिन उसको एक अलग जोन में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि उसका जो वैलेंसी होता है, वैलेंसी माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, वैलेंसी माने क्या होता है, अगर कोई पूछेगा वैलेंसी क्या होता है, तो वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, ठीक है, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल कैसे पता किया जाता है, इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन देखिए, जब भी हम पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन देखिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये किसी किसी बुक में दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। ये वाला जो डाटा है ये आपको दिया हुआ रहेगा, कम से कम 15 तक दिया हुआ रहता है, और याद करना 30 तक रहता है। उसके बाद जो जरूरी एलिमेंट्स हैं उनको याद करिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो हाइड्रोजन का स्थान कहाँ आता है, फर्स्ट पे, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। आप बुक में देख सकते हो, अपने बुक में आप देख लेना, ये टेबल दिया हुआ रहेगा, हाइड्रोजन का फर्स्ट एटॉमिक नंबर होता है। तो होता ये है कि मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है किसी एटम का, तो इसका ये इनर सेल है, इसके बाद ये बीच वाला है, इसके बाद ये, ठीक है ना, लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, आउटर सेल हो जाएगा। तो जो स्टार्टिंग वाला होता है यानी फर्स्ट जो सेल होता है उसमें एलिमेंट मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2n² दिमाग में रखिएगा। n माने क्या, ये नंबर ऑफ सेल, तो 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, एंड 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। दूसरे सेल की बात करें तो 2 × कितना हो जाएगा, n का स्क्वायर यानी कितना, 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 × 2 = 8, यानी दूसरे सेल में कितने रह सकते हैं, 8। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो होगा क्या, एक ही एटॉमिक नंबर ही है, ठीक है। तो इसमें आप या तो 1 को आप छोड़ दो या तो 1 को एक्सेप्ट कर लो, ताकि आपका क्या हो जाए, ये वाला जो है बैलेंस हो जाए, ठीक है। 1 को आप यहाँ पर रिलीज कर सकते हो या 1 को एक्सेप्ट कर सकते हो, इसीलिए हाइड्रोजन को कहा जाता है कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी है, ठीक है, ये इलेक्ट्रो
ध्यान दीजिएगा थोड़ा देख के, इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी है प्लस इलेक्ट्रो निगेटिव भी है, क्योंकि ये दोनों काम कर सकता है। वन को वन एक्सेप्ट करके टू बना लेगा और वन हटा करके ये बैलेंस कर लेगा अपने आप को। तो वन गेन भी कर सकता है, वन लॉस भी कर सकता है। तो इसके साथ ये दो संभावनाएं हैं, इसलिए हाइड्रोजन को दोनों कहा जाता है। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रो निगेटिव भी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो क्या है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट है एंड साथ में ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बोलेगा सर एक तो याद कर रहे थे आपने, एक और दे दिया, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराए इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट से, ठीक है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट से ऑक्सीजन को रिमूव कराने, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराने वाले को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट तो हो ही जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि ये रिमूव करा रहा है वन को और साथ में ऐड भी कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यही है, हाइड्रोजन को दोनों नाम से जाना जाता है, कहा जाता है इसको रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, ठीक है। तो इसमें अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए कि कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर को, और वो सब जुड़े हुए हैं इसी से, यानी नॉन मेटल कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं आपको डेंजरस बोलेंगे, मतलब वैसे जो जहरीले होते हैं बहुत ज़्यादा और जो हमारे एयर को पोल्यूट करते हैं बहुत ही ज़्यादा। एक हो गया आपका CO, कार्बन डाइऑक्साइड, एक वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो जानवे करते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया CO, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये हो गया NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, और एक हो जाएगा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों डीजल और ऑक्सीजन जलने पर प्रोड्यूस होता है, और इससे हमारे आँखों में जलन होती है, लंग्स ख़राब होता है, और उसके साथ साथ स्मॉग भी होता है जो मतलब ठंड के दिनों में ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हम सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, सामने कुछ दिखता भी नहीं है, और वो हमारे फसलों को भी हानि पहुँचाता है। तो मैं आशा करता हूँ केमिकल प्रॉपर्टी जो नॉन मेटल में इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर इसका समझ में आया होगा। इसके लिए मैं ये जो बता रहा था इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव या इसका वैलेंसी, इसके लिए अलग से वीडियो बना करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखने के लिए धन्यवाद।